हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, रेन मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम। रेन मैन कहिए या रेन वुमेन कहिए, बात एक ही है ना, या अम्ब्रेला मैन कहिए, बात सब एक ही है। मतलब ये आप लोग कई बार ऐसा फील किए होंगे, जब मान लो आप वर्षा के दिन में जब निकलते हो छाता लेकर के, तो छाता जो है वो किस तरह से रखना है ताकि आप वर्षा से बच सको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल तौर पर भी आपको काम आएगा, ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी बढ़िया कॉन्सेप्ट का, जरा ध्यान दीजिए इस पर। तो यहाँ जो है रेन मैन कॉन्सेप्ट कहिए, रेन मैन प्रॉब्लम कहिए, अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम कहिए, बात एक ही है, रेन वुमेन प्रॉब्लम कहिए, सभी बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर मान लो कि रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे आप देख रहे हैं रेन ऐसे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, जो भी वेलोसिटी हो इसका, है ना, जो भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी वेलोसिटी हो, और आदमी यहां पर मान लीजिए कि नीचे खड़ा है, आप मान लो खड़े हैं, और वर्षा जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही हो ऐसे, ठीक है, वर्षा ऐसे हो रही हो, तो आप जो है अपना छाता, अपनी छतरी आप जो खोलते हो वो वर्टिकली सीधा ऐसे खोल देते हो ताकि एकदम डायरेक्ट वर्षा से आप बच सको, ठीक है। आप जो अम्ब्रेला है वो सीधा ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे खोल देते हो, इससे जो आप वर्षा से बचे रहते हैं। ये तो सिंपल बात है, लेकिन एप्लीकेशन इसी सिंपल बात का ही है। आपने क्या किया, आपको वर्षा जो दिखी वो वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिखी, रेन कैसे आपको दिखा, डाउनवर्ड आते हुए। तो जो आपको दिखता है उसी के अपोजिट छतरी सीधा लगा दिया, यही ना किया। तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ये तो सिंपल है, लेकिन इसी सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। यहां पर आप खड़े हैं और वर्षा जो है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो आप क्या करते हो, छतरी को सीधा वर्टिकली आप लगा देते हो, तो आपको वर्षा जिस डायरेक्शन में दिखी उसके अपोजिट में छतरी को आपको लगा देना है, तो आप बच जाते हैं। तो ये इसका पहला ट्रिक, पहला कॉन्सेप्ट, इस बात को ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपको वर्षा दिखती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आपको जो दिख रहा है, आपको जो लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी छतरी को सीधा लगा देना है। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट, पहला ट्रिक, ठीक है। फिर देखिए दूसरा ट्रिक, ये इसका मेन ट्रिक है। ये आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जैसे कहीं भी हमने ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लिया था जो रिलेटिव वेलोसिटी का पहला क्लास है, उसमें हम क्या लेते थे, जब ट्रेन की बात करी थी तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या करते थे, वी ए या माइनस वी बी, वेक्टर सिंबल तो हो गए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या क्या वी ए माइनस वी बी, पहले ए बाद में बी, यहां भी पहले ए बाद में बी, आई बात समझ लो, यही ना करते थे। जैसे वेलोसिटी ऑफ, इधर कट रहा होगा मैं इधर लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही ना करते थे। ये रिलेटिव वेलोसिटी का पहला क्लास, बेसिक चीज वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट किस चीज का है, वेक्टर का। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बात समझ रहे हो ना। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, नहीं कुछ होता है तो किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, यहां भी ग्राउंड दोनों, नहीं कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहां भी देखिए उसी बात को लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन,
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर माइनस वी एम, आर एम है ना, पहले आर फिर बाद में एम, तो यहां पर पहले आर लगा दिया बाद में एम लगा दिया, यही तो किया ना। अब मान लो ये कहें किसके रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, कुछ दिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एम जी। बात समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना दिक्कत तो पहले ये नहीं लगा, इसलिए हमने पहले नहीं लगाया था, इसे फिर देख लीजिए एक बार, ये पहले नहीं लगा ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, पहले आर बाद में, तो पहले आर बाद में, ठीक है, बाकी तो रेस्पेक्ट कुछ नहीं है, तो ग्राउंड तो होगा ही है ना, ग्राउंड तो होगा ही रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर अब जी लगा दीजिए, ये याद रखना सुविधा हो, पहले जी मतलब, ठीक है। अब बात समझ में आया, और इस पूरे प्रॉब्लम का जो भी होगा रेन मैन कॉन्सेप्ट, उसका दूसरा ट्रिक और मेन कॉन्सेप्ट यही है, हमेशा इसी इक्वेशन का यूज होगा, और ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ, तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम यही करेगा, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एम जी। आई बात समझ में, अब जरा इसको समझिए, ये पहले बात तो वर्टिकली डाउन वाली बात, डाउनवर्ड वाली बात समझ गए, जो वर्षा सीधा नीचे गिर रही थी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, वर्षा को तो हम नीचे ही गिरने दे रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रही है वर्षा, और अब आदमी को क्या कर रहे हैं, आदमी को किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव करा दिया, ठीक है। मान लो इसको सपोज 30 मीटर 30 मीटर पर सेकंड से मूव करा दिया इधर, और रेन जो है ये गिर रही है किस वेलोसिटी से, मान लो सपोज 40 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, किस वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, ये 40 मीटर पर सेकंड से ये नीचे गिर रही है। आई बात समझ में, और यह जो है 30 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रही है, ठीक है, ये कोई भी मैन हो जो भी हो, ठीक है। अब सवाल यह है कि यह जो अम्ब्रेला है वो अपना किस डायरेक्शन में खोलेगा, तो मान लो अगर ऐसे, मान लो इसको दौड़ा रहे हैं यार, नहीं तो समझने के लिए इसको जो है बाइक पे बैठा दीजिए, है ना, बाइक पे बैठा दो, और छाता पकड़ने के लिए वो असिस्टेंट ऐसे दे दीजिए, जिसको बुलाए पीछे तुम बैठ के छाता पकड़े, करते ना कि बाइक पर जाता है, चल तुम पीछे छाता पकड़ेगा, हम तो बाइक चलेंगे, है ना, तुमको छाता पकड़ना बैठ के, ठीक है, तो इसको जो है छाता लेके बैठा देना, इसको जो है छाता लेके बैठा देना। तो अब सवाल है कि यहाँ पर ये जो छाता है ये किस डायरेक्शन में खोलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि किस डायरेक्शन में ये अम्ब्रेला को रखेगा, ओपन करेगा, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ये रखेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, या जो वेलोसिटी का, या जो वेलोसिटी है रेन का, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो जरा देखिए, ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ये ग्राउंड है, और ये 40 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो इसको माइनस 40 दे सकते हैं, माइनस 40 और नीचे है, आप इसको जे भी लगा सकते हैं, इसमें वेक्टर का कंसेप्ट इस चीज को यूज करना है, याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है, बस सिंपली वेक्टर कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन होता है, हो सकता है, लेकिन बढ़िया से समझ लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इधर ये आई होता है, आपको पता है, इधर माइनस आई होता है, ऊपर जे होता है, और नीचे माइनस जे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, माइनस 40 जे, ठीक है, और ये 30 क्या है ये बताइए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, और ये कितना आया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट, मतलब ये डायरेक्शन क्या लेंगे, डायरेक्शन के लिए देखिए, वहां आइए,
कोई तकलीफ इसमें आई यूनिट वेक्टर ही है, वेक्टर सिंबल आई जे के पर आप कोई भी साइन दीजिए वो यूनिट वेक्टर ही होता है, ठीक है, कैप दीजिए या ना दीजिए वो यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है, कोई तकलीफ इसमें। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 i, ये इधर है, पॉजिटिव क्यों दिया बात समझ में आया, ये नेगेटिव क्यों दिया बात समझ में आया, ठीक है। अब हमने कहा कि इसका जो पिलर कॉन्सेप्ट है बस यही एक इक्वेशन है, या आज के पूरे क्लास में जो भी आपको जरूरत पड़ेगा प्रॉब्लम में इसी एक लाइन का यूज करेंगे, पिलर कॉन्सेप्ट यही है इसका, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, अब आइए जरा इधर समझिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन ये निकालना है, ठीक है, इसमें जो निकालना है हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में वो छतरी को ओपन करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इन विच डायरेक्शन हिल सी जो भी हो शुड ओपन अम्ब्रेला, है ना, किस डायरेक्शन में जो है अम्ब्रेला को वह ओपन करेगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है क्या निकालना है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। तो यहां देखिए, यहां पर जो हम लोग को निकालना है, इक्वेशन हमारे पास है वेक्टर का, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो -40 j लिख दिया, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। फिर यहां पर माइनस, यहां देखिए ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है 40, ये माइनस तो यहां का ये रहेगा लेकिन 30 i, ये हो गया, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, -40 j और -30 i, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, अब इसको फिर एक्स वाई डायरेक्शन में हम लोगों को ले लेना है इस तरह से। तो ये देखिए कि ये जो है आई डायरेक्शन में, माइनस आई डायरेक्शन में कितना, इधर नीचे क्या है 30 है ना, इधर ये माइनस आई कितना है 30 है, इधर 30 मीटर पर सेकंड, इधर कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, और इधर कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत इसमें, इधर 30 है और इधर 40, दोनों तो माइनस से है इसलिए दोनों इधर ही है, दोनों निगेटिव डायरेक्शन में गया, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहां देखो ये जो डायरेक्शन जो लिया ये किसका है 40 वाला, ये किसका है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक बात है, और ये जो लिया ये किसका है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यही ना, ठीक बात है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इधर है और ये इधर है, और हमको चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट दोनों का किस डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, दोनों के बीच में, बीच का मतलब इन बिटवीन कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि 45 कर रहा है, ऐसा नहीं 45 कर रहा है, ऐसा नहीं, 45 तो तब होता जब ये भी 40 हो जाता तो आप कह सकते हैं कि 45, लेकिन यहाँ पर 40 और ये 30 है, तो ये 45 वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन जो भी एंगल बनेगा, तो कहने का मतलब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब आदमी को वर्षा इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई पड़ेगी, फिर सुनिए, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब आदमी क्या देखेगा,
वर्षा ऐसे आते हुए तो छतरी को क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फैला देगा। छतरी को क्या करेगा, अम्ब्रेला को क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सीधा ऐसे जो है अम्ब्रेला को लगा देना है। आई बात समझ में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लगा देना है। तब सवाल एक एंगल चाहिए, ये पहले तो कंसेप्ट समझ में आया। अब एंगल चाहिए, जैसे वर्टिकल के साथ आपको ये एंगल अगर चाहिए, वर्टिकल के साथ छतरी को किस एंगल पर ये मोड़ेगा, तो ये मान लीजिए थीटा, तो अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया। कोई तकलीफ इसमें? अपोजिट एंगल हो गया ये थीटा तो ये थीटा, कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। अब ये बताओ, यह जो ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखो, तो इसको ट्रायंगल लिया और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड, और ये 40 अपने जगह पर है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, टेन थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेना है, टेन थीटा बताओ तो साहब कितना होगा, 3/3 टेन थीटा कितना हो जाएगा, 30/40 ये खत्म। तो टेन थीटा जो है 3/4, कोई तकलीफ इसमें, टेन थीटा 3/4, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स 3/4। अब जो भी एंगल हो, मतलब इस एंगल पर, हर एंगल का तो वैल्यू हम लोग जानते नहीं, मतलब इस एंगल पर जो है ये छतरी को खोलेगा, यहाँ पर सीधा छाता लगा देगा, अम्ब्रेला लगा देगा। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ या नहीं? तो एंगल तो हमको पता चल गया, लेकिन दूसरा एक और क्वेश्चन था, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये जो हम लोग निकाले हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ही तो है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में है और मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड चाहिए, यही ना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में बोले तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं बताओ तो साहब, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, करते हैं सीधा रूट अंडर -40 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर 1600, इसको नीचे लिख देते हैं, उधर कट रहा है, -40 का स्क्वायर -30 का 1600 और 925 50 दे दें, तो बस यही 50 मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकला और इसका मैग्नीट्यूड निकला। फाइनली यही था, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का, इसको कहिए काफी स्पीड हुआ। तो जरा ये भी ऑब्जर्व करिए कि कितना निकला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, थोड़ा ज्यादा निकला, नहीं ज्यादा निकला, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है देखिए, पहले ये ऐसे रेन जो ओरिजिनली तो ये ऐसे गिर रही है, ठीक है, लेकिन आपका वेलोसिटी ज्यादा है, आपका वेलोसिटी यहाँ पर है, ये नहीं करें किससे ज्यादा है, कुछ तो वेलोसिटी है। अगर आप रुक जाइएगा तब तो आपको इसका वेलोसिटी आपको कितना दिखेगा, 40 ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन मोशन में होने की वजह से जो वेलोसिटी आपको क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 50 दिख रहा है। तो ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव की खूबसूरती है, होता ही है, जैसे दो ट्रेन में भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में सपोज चल रहे हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी आपको बहुत ज्यादा दिखता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा। आई बात समझ में, बोले इसमें कोई दिक्कत है, इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसको पहले लाइए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम इसमें वर्षा के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन होगा। वर्षा का जो डायरेक्शन है वो हमने ऐसे दे दिया, रेन का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, ठीक है, और कोई भी एंगल लगा लीजिए, मान लो कि रेन जो है सपोज ये 37 डिग्री दे देते हैं, थोड़ा कटने में सुविधा होगी, इसको 37 दे दिया और जरूरत आपको पड़ेगी, हो सकता है
ये वैल्यू भी हम दे देते हैं आपको, cos 37 कितना होता है जी 4/5 और sin 37 कितना होता है 3/5। ये वैल्यू कटने में सुविधा होगा थोड़ा, ठीक है, इसलिए 37 दे दिया आपको। और यह जो है रेन का डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और मान लेते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रेन ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और चलो 50 दे दिया, 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, और बाकी जो है ये आदमी जो है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, लोग थोड़ा इसको चेंज कर दिया 40 मीटर पर सेकेंड कर दिया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना किया 40, तो ये क्या हो जाएगा 40 आई हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें क्या चेंज किए, वर्षा का डायरेक्शन जो है, रेन का डायरेक्शन वो हमने चेंज कर दिया, पहले सीधी आ रही थी, अब वर्षा को जो है हमने एंगल से कर दिया, ठीक है ना, तिरछा, ये आपका रेन का डायरेक्शन कर दिया। क्वेश्चन हमारा फिर वही है, इन विच डायरेक्शन ही शुड ओपन अम्ब्रेला, दूसरा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और या ये कहिए कि यहाँ पर स्पीड निकालना है तो मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा इसका पिलर कंसेप्ट फिर यही लाइन है, इसी क्वेश्चन का यूज होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या है आपका वीआरजी माइनस वीएमजी, बताई दिए हैं आरएम या आर और एम, बाकी तो जीजी लगा देना, ठीक है, बोलो कोई तकलीफ है इसमें, तो जरा ध्यान दीजिए। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो अब यहां देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पर आपके पास ये 50 है, लेकिन ये तो ऐसे है इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, अब इसको रहने दीजिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वही अभी हमने लिखा है। तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, ये जो है वेलोसिटी रेन का, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कैसे लेना होगा, तो कंपोनेंट इसका देखो, जैसे मान लो यहां पर इसका वेलोसिटी इधर कितना है 50 है, इधर कितना हो जाएगा बताओ तो 50 cos, और इधर कितना हो जाएगा 50 sin, होगा या नहीं, और कंपोनेंट चाहो तो यहां भी तोड़ सकते हो अलग से, तो 50 cos 37 और इधर क्या लगा देंगे आई, और इधर क्या लगा देंगे माइनस है ना, इधर लगा देंगे माइनस है, तो कहने का मतलब पहले वीआरजी का ही हम लोग ऑपरेशन कर लें, वीआरजी का ही पहले हम लोग यहाँ पर इलाज कर लें, इसका कंपोनेंट तोड़ तार के पहले बराबर करें। वीआरजी क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 50 cos 37 आई, उसके बाद इधर माइनस हो गया, माइनस 50 sin 37 क्या जी। तो ये नीचे तो ऑलरेडी है ही है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर ये माइनस से, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, तब यहाँ पर देखो 50 ये अभी वीआरजी की बात कर रहे हैं, वीआरजी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये माइनस नहीं, सिर्फ यही माइनस होगा, ठीक है, वीआरजी निकाल रहे हैं, फिर से देख लीजिए वीआरजी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका कंपोनेंट 50 cos 37 i, 50 sin 37 माइनस j, ठीक है, 50 cos 37 i और माइनस 50 sin 37 j, अब वैल्यू तो बताई दी है, cos 37 का वैल्यू 4/5 i, उसके बाद 50 sin 37 का वैल्यू 3/5 यही ना, जे अपने जगह पर, ये कितना हो गया बोलो तो 40 आई, उसके बाद ये भी 10 से कटेगा 30 ये जो है वीआरजी का ऑपरेशन हुआ, ये क्या लिखा हम वीआरजी लिखा, ये वीआरजी ये, ठीक है। अब आइए यहाँ पर वीआरएम को लिखे, क्या लिखे वीआरएम को, जरा ध्यान से देखिए, वीआरएम ये वीआरजी था,
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये मैन है, वेलोसिटी ऑफ रेन में विद रेस्पेक्ट टू मैन, वीआर जी कितना लिखे अब इसको फिर लिखे हम लोग, ध्यान से देखिए बोलते चलिए, 40i - 30j अब माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, कितना 40i, तो 40i। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 40i, 40i का मैदान साफ हो गया। अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, -30j, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन -30j। ये देखिए बड़ा बढ़िया हुआ संजोग, बड़ा अच्छा, ये दोनों क्या हुआ, साफ हो गया। तो कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी को क्या दिखेगा, आदमी को क्या दिखेगा, रेन किधर आता हुआ दिखेगा, कैसे डाउनवर्ड, सीधा डाउनवर्ड दिखेगा, बड़ा अच्छा हो गया, सीधा डाउनवर्ड दिखेगा, तब तो डायरेक्ट कर सकते हैं छतरी सीधा ऐसे ऊपर फैला देगा, ओके, इसमें कहीं छतरी को टेढ़ा करने की कोई जरूरत उसको नहीं है, जबकि वर्षा टेढ़ा आ रहा था, वर्षा तिरछी थी, लेकिन छतरी को सीधा फैलाना, बात समझ रहे हो, वर्षा जो है वो एंगल के साथ है, लेकिन उसको अम्ब्रेला को बिल्कुल सीधा फैलाना है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आया, -30j, ये डायरेक्ट नीचे दिख रहा है ना, मान लो अगर ऐसे बनाओगे भी, हालांकि इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेंगे भी तो क्या लेंगे, इधर ही लेंगे ना, ये माइनस तो है ही इधर, इस डायरेक्शन में चला गया है ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये नीचे जाता हुआ देख रहा है वर्षा को, तो यहाँ छतरी जो ऊपर ऐसे आराम से सीधा ये लगा देगा, आराम से बच जाएगा, आई बात समझ में। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें साहब, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, स्पीड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा बताओ तो साहब, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो -30j इसका मॉड क्या होगा, 30 ही होगा और क्या होगा, है ना, तो बस ये 30 m/s हो जाएगा, बोलो साहब कोई दिक्कत इसमें, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना, -30j इसका मैग्नीट्यूड 30 होगा, बोलो कोई तकलीफ इसमें, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, तो इक्वेशन तो यही यूज हुआ ना, बोलो कोई तकलीफ इसमें, इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये लिख लिया आप लोग, तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखे, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे कि आदमी को क्या लग रहा था कि रेन जो है बिल्कुल वर्टिकली गिर रहा है ना, रेन वर्टिकली गिर रहा है, और इसलिए क्या करेगा, ये अम्ब्रेला को जस्ट ऐसे वर्टिकली खोल देगा, ठीक है, और जरा प्रैक्टिकल तौर पर भी सोचो कैसा इसको क्यों लगा, और सोचोगे तो मजा आएगा, प्रैक्टिकल तौर पर सोचोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, तो जरा सोचो कि यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी क्या था, 50 m/s हमने दिया था रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, ये 50 cos 37 जो हम लोग किए, ये कितना आया, ये कितना आया, 40 आया था ना, 40 आया था, और ये कितना आया था, 30, ये 30 आया था, और ये 40 आया था, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये आपका 40 आया, 40 m/s, और यहाँ पर आदमी का भी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी कितना है, 40, तो वर्षा का भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो है 40 m/s है, और इस मेन का भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 40 m/s है, इसका मतलब दोनों का हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, दोनों का हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, दोनों का हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला नहीं देखा, बात समझ में आ रहा कि हॉरिजॉन्टल वाला वो देखा ही नहीं, इसलिए कि दोनों का हॉरिजॉन्टल बराबर हो गया, तो हॉरिजॉन्टल वाला ऑब्जर्व नहीं किया, तो ऑब्जर्व कौन सा किया, वर्टिकल वाला किया, बात समझ में आया, ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि हॉरिजॉन्टल वाला ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि सेम वेलोसिटी है तो क्यों करेगा, मान लो ट्रेन पर अगर आमने सामने बर्थ पर दो आदमी है
आराम से सो करके गप करते जाते हो, बैठ करके गप करते जाते हो, बातचीत करते जाते हो, तो आपको उसका वेलोसिटी दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, इसलिए वो वेलोसिटी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। या साइकिल पर ही मान लो दो दोस्त जाते हो, छोटू जाता है ना दो, मतलब अलग अलग साइकिल पे आराम से कंधा पकड़े हुए जाता है, गप सप करते हुए जाता है, और देखे एक एक बार तो गप करते करते नाली में गिर जाता है, है ना? तो वो वेलोसिटी ऑब्जर्व नहीं होता है। आई बात समझ में? बात समझा कि नहीं? एक बार एक लड़का को देखे, खूब आराम से गप करते जा रहा था, और उसको क्या पता कि हम देख लिए हैं संजोग से, हम भी गुजर रहे थे, तो अगले दिन पूछे रहे क्या हाल चाल है रे, कह सर क्या हुआ कि नाली वाला टेस्ट ठीक था ना, कसर आप कहां देख लिए? आई बात समझ गया ना? अब बात समझ में आया कि इसमें क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन लागू हुआ, कि दोनों का जो हॉरिजेंटल है वह तो सेम रहा, दोनों का हॉरिजेंटल सेम रहा, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं किया। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि अब हॉरिजेंटल भी ऑब्जर्व हो जाए। आइए थोड़ा सा, उसमें तो कटने वाला दिए थे, जान के ऐसा डाटा ही दिए थे, अब इसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन में। अब इसमें लीजिए, इसको हम दे देते हैं लो, इसको दे देते हैं 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 60 मीटर पर सेकंड, और एंगल लगा दिया 30 डिग्री, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, एंगल लगा दिया 30 डिग्री, ठीक है? तो अब देखो यहां पर बाकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमने 40 रहने दिया, अब इसको थोड़ा चेंज किया तो प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है? तो अब देखो इसमें होगा क्या, जरा ध्यान से देखो। तो फिर हमने क्या कहा कि जो हमारे पास पिलर कॉन्सेप्ट है, पिलर इक्वेशन मेरे पास यही है, देख रहे हो ना, इसी इक्वेशन का यूज हो रहा है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी के सबसे पहला लाइन में हमने इसको डिस्कस किया, ये ना डिस्कस किए थे पहला लाइन में, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वही वाली तो बात है ना यहाँ पर, वही ऐसा एक्स्ट्रा बात तो नहीं है, अप्लीकेशन इसी का होगा, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, रेन माइनस मैन, जी जी तो लगा दिया, नहीं कुछ है तो ग्राउंड तो रहेगा, हर जगह इसी का अप्लीकेशन। अब फिर हम क्या करेंगे, पहले बीआरजी को तोड़ लें, बीआरजी को तोड़ तार कर लें, जरा ऑपरेशन कर लें, कंपोनेंट इसका निकाल लें, लो एक इधर कर देते हैं इसका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एंगल कितना दिया था 30 डिग्री है, और ये है कितना साफ 60 है ना, तो ये कितना हो जाएगा साफ, बोलो तो 60 30, इधर क्या आई, इधर क्या दे दे 60 साइन 30, और इधर माइनस, तो पहले वीआरजी को लिख लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए वीआरजी को लिख लेते हैं, वीआरजी इसको तोड़ तार कर रहे हैं, अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वीआरजी को तोड़िए, तो ये साहब 60 cos 30 i माइनस क्या हो जाएगा 60 sin 30, ये माइनस दे दिए, तब ये माइनस नहीं देना है, एक ही माइनस देना है, अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर फिर यहाँ माइनस दे लगा दे, ठीक है? जो इच्छा हो, ऐसा नहीं कि दोनों जगह, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा हो जाएगा, ठीक है? कॉस 30 बोलो, हाँ ज्यादा नहीं समझना तुम लोग, कॉस 30 बोलो, √3/2, साइन 30 बोलो 1/2, बाकी माइनस कर दो यहाँ पर, माइनस जे, और इधर आई कितना हो गया साहब 30√3i, ये −30, और अभी तक जो है ये तोड़ तार ऑपरेशन बीआरजी में हुआ है, ठीक है? ये कंपोनेंट हुआ, वेक्टर का कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट अभी तक हमने लिया, ठीक है? और जिसको कंपोनेंट के बारे में आइडिया नहीं है तो आप वेक्टर का कंपोनेंट और वेक्टर देख लीजिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स का यूज होने वाला है, ये कहीं पीछे छोड़ने वाला नहीं है, अभी तक की तो कई बार यूज हुआ होगा, पूरा फिजिक्स आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का यूज होगा, ठीक है? जिनको नहीं आइडिया है, कंफ्यूजन है,
तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख लीजिए, आप टाइप करिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बाय इनोवेशन एकेडमी या बाय आर के जैसा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आ जाएगा। और थ्री डायमेंशनल नहीं देखने की जरूरत है, आप टू डायमेंशनल देखिए, ज्यादा काम टू डायमेंशनल कंपोनेंट का होता है, थ्री डायमेंशनल का काम बहुत कम होता है। तो टू डायमेंशनल कंपोनेंट देखिए, सीधी बात, वो आसान भी है, काम भी उसी का है, ठीक है हर जगह। तो साहब अब वीआरजी तो हमने लिया, अब क्या करना है इसमें पुट कर देना, ये जो मेन इक्वेशन है, ये जो ब्रह्मास्त्र है, पिलर कॉन्सेप्ट, पिलर इक्वेशन यही है ना, देख रहे हैं ना, बार बार हम इसी का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो वीआरजी कितना बताइए, 30√3i माइनस 30j, अब उसके बाद माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना सा 40i, यही ना। अब किस में जरा ये जुटेगा, हमने पहले ही कहा है कैलकुलेशन थोड़ा होगा, इसलिए डाटा आई यहाँ पर है, तो 30√3 माइनस 40 या माइनस 30j, ठीक है। तो और इसका लगभग वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, रूट थ्री को 1.7 मान सकते हैं, 17 51 लगभग 51 आ जाएगा, मान ले 51, चलो ठीक बात है, मान लिया, मान ले छोटो, चलो ठीक है, तुम बोल दिया तो हो गया 11, हम भी गरीब आदमी कितना कैलकुलेशन कराएगा हमसे, ठीक है। तो 11i हो जाएगा लगभग, देख लो रूट थ्री है ना, 1.7 मानोगे तो 1.7, तो देखो ये 17 51 हो गया, ये लगभग 51 हो गया, तो ये 11i माइनस 30j वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, है ना, आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो प्लीज, कोई दिक्कत है, तो भी बहुत मेहनत करता है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक बात है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन 11i माइनस 30j, ठीक है। तो यहां देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन तो हमको मिल गया, अब यहां देखिए, अब फिर आईजे वाला जो है उसको बना लेना है, ठीक है, इधर बना दे, जब देख लेते कट तो नहीं रहा, चलो आ जाए, ठीक है। तो यहां देखिए 11i माइनस 30j, 11i माइनस 30j है, तो अब आई किधर, इधर, तो 11 इधर 11 मीटर पर सेकंड, अब 30 किधर, 30, अब जरा बताओ तो ये इधर और ये जो 11 है ये क्या दिए हैं, ये आई डायरेक्शन में है ना, और यह जो एक्चुअली ये किसके स्थान पर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब यहां देखो ये इधर रिजल्टेंट किधर, रिजल्टेंट किधर, इधर होगा, होगा या नहीं, रिजल्टेंट इधर होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका रिजल्टेंट अगर इधर हो गया तो इसको अपना छतरी जो है छाता इस डायरेक्शन में ऐसे करके लगाना पड़ेगा, ऐसे खोलना होगा छाता ऐसे, ठीक है। अब एंगल चाहो कितना होगा, तो इसके लिए थीटा हो गया, ये थीटा, ये भी थीटा हो गया, अब एक ट्रायंगल बना लीजिए साहब, तो ये 30 था और ये 11, तो 10 थीटा कितना हो गया साहब, 10 थीटा कितना, चलो इधर लिख देते हैं, बोलो साहब 10 थीटा कितना, 10 थीटा कितना, पी बाई बी 11/30, तो थीटा इक्वल टू कितना, 10 इनवर्स 11/30, दिस इज योर आंसर। अब वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड या स्पीड कहिए, स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो गया साहब, क्या करेंगे इसमें, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इसका मैग्नीट्यूड, तब ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर भी तो प्लस ही होगा, बोलो कितना साहब, 121 और ये 900, बोलो कितना, कितना 1021,
रूट ले लो, लगभग आंसर बता लो कितना होगा। कितना रहा एप्रोक्स, कितना रहा? 32। जो भी है ये आपका आंसर हो गया। 32 पूरा तो नहीं होगा इसलिए कि 32.5। चलो ठीक है, चले ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपके पास कितना आया? बात समझ में आया? ये क्लियर हुआ या नहीं? चूंकि वेलोसिटी को यहाँ पर क्या किया, क्या किया हमने? बढ़ा दिया था, ठीक है ना? क्या क्या वेलोसिटी को बढ़ा दिया था। तो पहले छाता क्या, इसके पहले वाले क्वेश्चन में छतरी को जो है वो ऊपर ऐसे रखा था, लेकिन अब क्या किया, छतरी को ऐसे कर दिया। और अगर तेज वर्षा हो जाए तो उधर से और ऐसे करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है ना? बात समझ रहे ना? यस सर। ऐसे किया पहले और रेन तेज हो गई तो इसको क्या किया, ऐसे कर लिया। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है? बोले इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, वैसे भी और इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कीजिए, हाँ, और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू। और वैसे अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमने चेंज किया है कि अब जब वर्षा को हमने ये डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में वर्षा को दे दिया, रेन इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका स्पीड कितना 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। और ये कितना है साहब? एंगल 37 है, एंगल 37 है। और यहां भी जो हमारे पास मेजर इक्वेशन है, पिलर कॉन्सेप्ट, वो तो आपका यही लाइन रहेगा जो शुरू से अभी तक ये लिखा हुआ है, इसी का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ लें, रेन का जो है हम लोग कंपोनेंट तोड़ लें। देखिए जरा, ये आपका जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो वी आर जी का कंपोनेंट हम लोग ले लें। इधर ये एंगल कितना है साहब? 37 है। तो और इधर है कितना? ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, इसके हिसाब से कंपोनेंट ले लें। इधर कितना हो जाएगा? 50 cos 37, और इधर क्या हो जाएगा? -i, ठीक है। तो फिर इधर आइए, कितना हो जाएगा? 50 sin 37 -j, और इधर -j। अब वैल्यू भी बैठा दे तो ये कितना हो जाएगा? 50 और साइन 37 3/5 दिया हुआ वैल्यू, -j कितना हो गया साहब? देखिए 30 -j या -30j एक ही बात है, -30j। और इसके बाद अब इसका जो कंपोनेंट है cos 37 कितना है? 4/5 है, क्या लगा दीजिए। तो ये देखिए 50 या cos 37 4/5 4/5 माइनस आई, तो कितना हो गया साहब? -40 आई। तो अब यहां देखिए VRG आपका निकला कितना, जरा ध्यान से देखिए VRG कितना निकला? -40 I, उसके बाद -30, ठीक है। तो ये आपका VRG निकला, अभी तक हमने इसको तोड़ ताड़ किया, सिर्फ VRG का कंपोनेंट लिया, क्या क्या अभी तक? VRG का कंपोनेंट लिया, VRG को तोड़ ताड़ किया, और लेकिन पिलर कंसेप्ट तो मेरे पास यही है, इसी में पुट करना है। तो VRG का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग और VMG तो जान ही रहे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो इधर ही है, ये 30 आई। अब चाहे इसको आप बाइक पर बैठा दीजिए, चाहे यहाँ पर इसको जो है आप बाइक पर बैठा दीजिए, चाहे आप जो किसी ट्रॉली पर बैठा दीजिए, या छाता लेकर के सीधा इस डायरेक्शन में दौड़ा दीजिए, सभी बात एक ही है, ठीक है। छाता लेकर के दौड़ा दीजिए, सभी बात एक ही है। ट्रॉली पे बैठा दीजिए, बाइक पर बैठा दीजिए, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो हम लोग इसमें पुट करें VRM, VRM
वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू मेन, पहले तो बी आर जी के बदले ये चीज पुट करें, माइनस 40 आई बोलते चलिए, माइनस 40 जे, उसके बाद माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 30, कोई दिक्कत इसमें? आई आई जोड़िए, 40 तीस माइनस 70 आई, माइनस 30 जे, ये वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू मेन, ये वेक्टर फॉर्म, ये मेन वेक्टर मिला, ठीक है, इसी से दोनों आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, इसी से यहाँ पर क्या होगा, दोनों आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ देख लेना है कि कौन सा एक्स वाई एक्सिस, यहाँ पर बना लीजिए पहले तो, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस को बना लेना है ऐसे करके। अब यहाँ देखो ये जे डायरेक्शन में इधर माइनस जे में कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, और माइनस आई कितना इधर 70 मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है, डायरेक्शन तो है ही इधर, माइनस लेने की जरूरत नहीं, 30 आई इधर। अब ये बताओ रिजल्टेंट किधर होगा, माइनस आई है माइनस जे है, रिजल्टेंट इस दोनों के बीच में, इन बिटवीन, ऐसा नहीं करें कि 45 डिग्री ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इन बिटवीन होगा, ठीक है, तो कोई तकलीफ इसमें? अब वी आर एम ये तो इस डायरेक्शन में होगा, जब ये पता चल गया कि इस डायरेक्शन में होगा तो छतरी को क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फैला देगा, छतरी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया, छाता देखिए ऐसा लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल पता करना पहले कि वर्टिकल से छाता कितने पे झुकाएगा, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ देखिए साहब ये था 30, ये हो गया 70, टेन थीटा कितना साहब, टेन थीटा पी बाई बी, तो 70 अपॉन 30, तो टेन थीटा कितना 7/3, तो थीटा टेन इनवर्स 7/3, तो इस एंगल पर जो है वो अपना अम्ब्रेला को झुका देगा, ठीक है। लेकिन अब फिर जो फाइनल क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो क्या करना चाहिए, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो क्या करना होगा साहब बताइए, है ना, इसका वेक्टर आपके पास है, मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या करना होगा, -70 का स्क्वायर, हालांकि माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है तो माइनस हटा दीजिए, कितना बचेगा साहब 400 प्लस 900 कितना हो गया, रूट अंडर लगभग वैल्यू 76.5, चलिए ठीक है, तो लगभग 76 आ रहा है, ठीक है, लगभग क्या रहा है 76 आ रहा है, तो ये जितना इसका जो है ये स्पीड हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू मैन, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और इन ब्रीफ क्या जरूरत पड़ा इस टाइप के सारे क्वेश्चन में, पिलर कॉन्सेप्ट आपके पास यही एक लाइन था जिसका कि हमने यूज किया, ठीक है, ब्रह्मास्त्र इसका यही है, पिलर यही है, ट्रिक यही है, टेक्निक यही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा टेक्निक है कि क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का क्या मतलब हुआ कि रेन जो है आदमी को वो किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, तो जिस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा उसके अपोजिट सीधा छाता को लगा देना, वेरी सिंपल, अगर वर्षा ऐसे आ रही है इसके अपोजिट लगा दिया, वो देख रहा है कि वर्षा ऐसे आ रही है इसके अपोजिट लगा दिया, वो देखेगा वर्षा ऐसे आ रही है तो इसके अपोजिट लगा दिया, तो अब ये रेस्पेक्ट की बात है कि कहां पर उसको किस डायरेक्शन में दिख रहा है, जैसे यहां पर वर्षा इसको ऐसे आता हुआ देखा इसके अपोजिट में क्या क्या ये लगा दिया, आई बात समझ में, बोले इसमें कोई दिक्कत, तो चलिए ठीक है, जितना ही हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी नाम तो हम कभी कभी अपना भी लेते हैं, आज एक कमेंट में हमसे पूछ रहा था सर आपका नाम क्या है,
तो बहुत कम लेते हैं, ठीक है। इनोवेशन एकेडमी बाय आरके जैसे, थैंक यू।